रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल गार्लिक को लेकर आ रहा है। रूपा जी, हमने देखा है कि इस बार लहसुन का जो उत्पादन है बम्पर देखने को मिला है। हालांकि साल 2021 में हमने देखा था कि मानसून के दौरान जो फसलें थीं लहसुन की, वो तबाह होती नजर आई थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि इतनी भी कमी नहीं देखने को मिली है लहसुन की। आवकें बम्पर देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर, और अब जनवरी भी आ चुका है, कुछ ही समय में नई लहसुन भी आने वाली है मंडियों के अंदर। लेकिन रूपा जी, इसी बीच हमने ये भी देखा कि जो बेमौसम बरसात हो रही है अब कई राज्यों में, इसकी वजह से लहसुन की जो माल है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब होता नज़र आया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आगे लहसुन में तेजी रहेगी या मंदी? देखिए, लहसुन में फिलहाल मंदी का ही दौर दिखाई दे रहा है। मंदी भी यानी कि बहुत ज्यादा मंदी नहीं है, लेकिन तेजी नहीं बन रही है इन स्तरों पर। अब आप देखिए, जो विंटर सीजन की एक डिमांड एक्सपेक्टेशन थी कि निकलेगी, वो डिमांड भी नहीं निकलती हुई दिखाई दी है। और अब विंटर सीजन जैसे ही एक डेढ़ महीने के बाद थोड़ा सा ईज ऑफ हो जाएगा, उसके बाद बाजारों में और ज्यादा प्रेशर लहसुन की कीमतों पर बनता हुआ दिखाई देगा। नई अराइवल्स भी आ जाएंगे और पहले वाला लहसुन भी बहुत बड़ा है अभी ट्रेडर्स के पास। और देखा जाए तो क्रॉप अगर डैमेज भी हो रही है, तो इसके चलते प्राइजेस के ऊपर अच्छी क्वालिटी के लहसुन में हो सकता है कि थोड़ा सा उठाव बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन जो छोटा लहसुन है, जो बारीक लहसुन है, उसकी कीमतों में फिर दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। और आगे चलकर मुझे नहीं लगता कि कोई कीमतें बहुत ज्यादा सपोर्ट लेती हुई दिखाई देंगी। फरवरी ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि इसके अंदर और ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी,